बिल्कुल पूरा समर्थन। दो साल में कैसा सपोर्ट है? तो सोम ने कम से कम 50,000 वोटों से जीतेगा तो शाम से। अच्छा, मैडम का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसने करना है ना किसाना है तो सब बनाए दिए। हाँ, खुला मारे को जातिवाद का कोई मतलब को नहीं। जाट सुमे और राव साहब ने वोट दूंगा। अच्छा। हाँ, एक तरफा है एक। हम बीजेपी को यहाँ तू बोलने का मैं बोल लू, बीजेपी को जड़ तक उखाड़ की पकावा है अभी कि ना मोदी से लड़ाई मोदी की है। अच्छा। किसानों के साथ दुर्गति करी थी। अच्छा, सिंह जी का कैसा समर्थन है? राव दान सिंह का 100% समर्थन। ये कह देते हैं कि किरण चौधरी के समर्थक, किरण चौधरी के समर्थक इंडिया गठबंधन राव दान सिंह के साथ नहीं है। हम बीजेपी भगाओ देश बचाओ के साथ हैं। अच्छा। राव दान सिंह ये ऐसा विकल्प है यहाँ जो बीजेपी को हरा सकता है, इसलिए हम आज किसान संगठन उसका समर्थन करने के लिए आए हैं। बीजेपी भगाओ देश बचाओ। मन धन तो है कौन जी, आपने तो तंत्र मंत्र राव दान सिंह का खुला समर्थन कराए। पूरे देश में महंगाई का बोलबाला है जी। 400 रुपए वाला सिलेंडर 1,000 रुपया हो गया जी। एक साल में 7200 रुपए पालतू लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ और उपस्थित हूँ आज चुनाव कार्यालय तोशाम के अंदर, भिवाणी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी जो रावदान सिंह जी हैं उनका तोशाम के अंदर ये कार्यालय है। और इसमें जो है एक बड़ी खबर ये है कि किरण चौधरी जी जो हैं, आप एक बार तस्वीर को वापस फिर से दिखाएं जिसमें हुड्डा जी और किरण चौधरी जी जो हैं उनका भी आपको तस्वीर दिखाई पड़ेगा। बाकी इंडिया गठबंधन तो है ही और यहाँ इनके समर्थकों की काफ़ी बड़ी भीड़ है और रावदान सिंह जी की गाड़ियाँ भी आ रही है और जो है ना कांग्रेस के काफ़ी समर्थक जो हैं वो यहाँ इकट्ठे हैं। किरण चौधरी जी के भी यहाँ पर काफ़ी समर्थक इकट्ठा हैं। तो आज क्या रहता है, किस प्रकार का समर्थन रहेगा, सारी बातचीत हम करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ जी, राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। तो क्या समर्थन दे रहे हो भाई? हम तो खुला समर्थन दान सिंह ने बनाएगी का लाइम गड़ा है। अच्छा। हाँ, झील भी जाती है। मोदी ने कोरोना ने टीके ला के हार्ट अटैक कर दिया लोगों का। अच्छा। अमर नहीं हरीब का जहर के लिए आवाज सीधे इन्हें निकलना कुछ काम है, झूठे जुमले कुछ नहीं करना है ना किसाना है तो सब बनाए दिए। हाँ, खुला मारे को जातिवाद का कोई मतलब को नहीं। जाट सुमे और राव साहब ने वोट दूंगा। हाँ, एक तरफा है, एक तरफा है, एक तरफा। चलिए ठीक है। हाँ, तो और अंदर चलते हैं एक बार, यहाँ पर देखते हैं। हाँ जी, राम राम साहब। तो कैसा क्या समर्थन है यहाँ पर? बढ़िया है, आपको दिख रहा है पूरा माहौल, बढ़िया माहौल है, बड़े माहौल है। तो वोट शोट पूरे जाएंगे जी। भाई साहब क्या कहोगे, किसको क्या समर्थन है? वोट मारे पूरे से जा रहे जी, पूरे जा रहे, पूरे बिल्कुल 100 के 100 जाएंगे। 100 के 100 हाँ जी, राम राम साहब। राम राम जी। तो कैसा क्या समर्थन है आप? बहुत बढ़िया, एक नंबर का है, एक नंबर का है। हाँ जी, 1.5 लाख से ऊपर ऊपर जीत है, 1.5 लाख से ऊपर ऊपर। हाँ जी। उन्होंने कहते हैं किरण चौधरी समर्थन ना कर रही, वो बात नहीं। सारे किरण चौधरी क्या है, सारे किरण चौधरी क्या है? हाँ, सारे समर्थन कर रहे, सारे समर्थन कर रहे हैं। तो मतलब अफवाह है वो चीज़? नहीं, ये तो झूठी अफवाह है। अफवाह इलेक्शन में चलती है, इलेक्शन में चलती रहती है जी। साहब कौन जीत रहा आपकी बात? दान सिंह है। दान सिंह और? अच्छा, तो दान सिंह तो जिता रहे हो। हाँ, बढ़िया बढ़िया वोटों से। अच्छा, बढ़िया वोटों से। हाँ, बस यहाँ लोग की ना मोदी से लड़ाई मोदी की है। अच्छा। किसानों के साथ दुर्गति करी थी। अच्छा, मोदी के नाम की लड़ाई की? मोदी का नाम। अच्छा। तो कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस को वोट, कांग्रेस को। हाँ, छिकली मदद, मदद छिकली है। मोदी ने जो झूठे वादे करे थे वो पूरे नहीं करे, लोगों की जो आस थी मोदी के ऊपर वो खरा नहीं खरा। ठीक। और साहब आ गया ना एक बार? आ गया। नमस्कार जी, जी बताओ आप क्या करो जी? बीजेपी से बहुत तंगा रहे जी। बीजेपी तंगा रहे? हाँ। हाँ जी, किसान वर्ग और कमेरा वर्ग होते हैं उसके भी बहुत तंग रहे जी। जो भी कोई कार्य कर रहा है उसके लिए संतुष्ट नहीं मोदी के कारण से, इसलिए कांग्रेस को वोट। हेलो, मैं सुन रहा था तो कहा हूँ दांग क्लास हूँ। कैंडिडेट धर्मवीर नीब के बराबर का मिले है। अच्छा। और हर हल्का 60,000 की लीड लेकर चल लगा। अच्छा। रावदान जी बहुत भारी मदद जीतेगा और किसी को ये भ्रम लोग भ्रम काट देगा।
हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, कैसा क्या समर्थन है यहाँ पे राजधान सिंह? समर्थन सर 10 साल से बीजेपी सरकार से बहुत नाराज हैं लोग। अच्छा, और धर्मवीर धर्मवीर ने 10 साल में जो भी उसके पास कार्यकर्ता गया उसने यही बोला है कि भाई मेरी चालदी को नहीं, सीधी सी बात है। तो जब उसकी चालदी को नहीं इसके पास कोई मुद्दा, और देश की जनता चाहती है कि अब की बार बदलाव हो, बहुत ज़्यादा परेशान है। इस करके रावदान सिंह जी हैं बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। रावदान सिंह जी का इस इलाके में कैसा जोड़? इस इलाके में भारी मतों से जीत होगी। तो साहब भी ठीक है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एकदम। आप माहौल देख रहे हो, बहुत ज़्यादा है माहौल, आज देखो कितना बढ़िया बना हुआ है। इस बात पर क्या कहेंगे लोग, कहते हैं किरण चौधरी, श्रुति चौधरी समर्थन? किरण चौधरी, देखो नाराजगी तो हर पार्टी में है, और श्रुति भी ये चाहती है भाई हमें टिकट मिले, पर नहीं मिल पाई। कैंडिडेट तो एक ही दिया जाएगा, तो श्रुति और किरण चौधरी दोनों साथ है, नेताजी के साथ है, मनभेद नहीं है। हाँ, और वो पूर्ण अपने दिल से और भी इसका वो प्रचार करेंगे। मैं इनको मन मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं है, कांग्रेस एक है, एकजुट है, एकजुट। हाँ, और आप समर्थन देखो, बढ़ चढ़ के समर्थन मिल रहा है। धर्मवीर के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है लोगों के पास जाने का, उसको तो विरोध में कर रहे हैं। बीजेपी ने 10 साल में भट्ठा गोल कर दिया है प्रदेश का, देश का। तो हम तो ये अपील करते हैं जनता से कि वे ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को वोट दें और रावदान सिंह को विजय बनाएं। भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ के ऊपर तो शाम की जनता ऐसी भोली भाली जनता नहीं है जो किसी को वोट दे देगी। यहाँ पर विकास कार्यों को देखते हुए लोग चुनाव करेंगे, और वो विकास कार्य करने वाली सिर्फ इस तोशाम के अंदर किरण चौधरी और बंसीलाल परिवार ने जितने विकास के कार्य किए हैं, इतने कार्य किसी ने भी नहीं किए हैं। अच्छा। हाँ, और उसी नाम पे यहाँ वोट डाले जाएंगे। तोशाम की जनता किसी के बहकाव में आके कोई वोट लेके चला गया उस पर वोट नहीं करेगी। 10 साल धर्मवीर को हो गए यहाँ बैठे ने, कोई एक काम गिनवा देगा ना धर्मवीर? मैं यो काम सामूहिक तोशाम में कर दिया तो भाई साहब हमें वोटर तो मैडम के यहाँ, लेकिन धर्मवीर ने वोट दे देंगे। एक काम गिनवा दो, खाली बैठे रहने के सुवाया को काम कौन करे यार? जनता ने बुढ़ा बुढ़वा की, दो बार सांसद बन गया, और तो सामने जो 10 साल पीछे ले गया, जितने काम मैडम ने किए थे 10 साल पहले, वो काम आज भी हाजिर है उनकी, यो मरम्मत भी कौन करवा सके भाई साहब? काम करने तो दूर रहे। तो शाम के अंदर पानी की इतनी किल्लत रह कर दी, आज किसी भी तो शाम में जाके पूछोगे मैडम का डिग्गी महकमा जाया था, किसी भी गम में कोई डिग्गी का वो नहीं छोड़ा, जो भी इसका महकमा हाथ लग गया है किसी काम में कसर कौन छोड़ी, सिर्फ उसके काम बोल रहे हैं आज का दिन, और उसी की बदौलत आज ये रावदान सिंह जीतेगा। यहाँ कुछ ज्यादा जोश दिखाई पड़ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, आ जाओ एक बार इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पानी टेबल दो, पानी तो ये दो, पानी दो, पानी बोलो, मास्टर बोलो, किसान एकता जिंदाबाद। अच्छा, मजदूर किसान इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो अमेरिकन, बीजेपी भगाओ, बीजेपी भगाओ, बीजेपी भगाओ, आवाज दो एक है, आवाज दो एक है, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिनट, हाँ जी, क्या कह रहे हो? बीजेपी हटाओ, बताओ इसके, देश बचाओ। हमारा एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है, या बीजेपी जुमलों की सरकार है, हम बीजेपी को यहाँ तू बोले का मैं बोल लूँ, बीजेपी को जड़ तक उखाड़ की पकावा है। अभी सभी किसान नेता हमारे जो करते जी प्रधान डिस्ट्रिक्ट भी होनी, हम ही बीजेपी ने छोड़ा बोलू। अच्छा, हाँ, तो आम आदमी पार्टी के भी लोग यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहले इंडिया गठबंधन पॉइंट को बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये कहना चाहेंगे कि एक देश में एक लहर बन चुकी है, जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरह से विजयी होगा, और देश में नई सरकार और नई सोच के साथ नया इतिहास रचा जाएगा। हाँ, तो यहाँ ये हमारे जिला प्रचंड जोगिंदर किसान यूनियन के समर्थन है यहाँ पर रावदान सिंह के साथ। रावदान सिंह के साथ नहीं है, हम बीजेपी भगाओ देश बचाओ के साथ हैं। अच्छा। रावदान सिंह ये ऐसा विकल्प है यहाँ जो बीजेपी को हरा सकता है, इसलिए हम आज किसान संगठन उसका समर्थन करने के लिए आए हैं। बीजेपी भगाओ देश बचाओ।
विकल्प के तौर पर रावदान सिंह को सपोर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल, शिवराज किसान मोर्चा के हमारे हमारा हल्का प्रधान, हमारी पूरी टीम, कम से कम भी तुषाम ब्लॉक से 50-60 आदमियों की हमारी राज्य स्तरीय हम मान लिया वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, हम सब पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे होके और बीजेपी का हम विरोध कर रहे हैं और रावदान सिंह को यहाँ से बचा जाएंगे, छोटा गोरी जिता जाएंगे। जहाँ भी पूरे प्रदेश में देश में जहाँ भी बीजेपी को कोई टक्कर देगा, किसान सुकृत किसान मोर्चा ये कहता है कि उसको सपोर्ट करो, बीजेपी को भगाओ, देश बचाओ, यही सुकृत किसान मोर्चा का नारा है। हम किसान हमारा एक का मकसद है कि बीजेपी को हराना, ये तनाशा सरकार है, ये सरकार है न, ये किसानों की दुश्मन है, ये किसानों का विरोध है, कानून ले रहे हैं। अब मोदी जी कह रहा है क्या भाई सारी जमीन फिर लेगी कांग्रेस है, तो या काला कानून न बीजेपी ने बनाया था। आज ये किसान पूरे तनमन धन तो है कौन जी, आपने तन तैर मन तैर रावदान सिंह का खुला समर्थन कराए, पूरे देश में महंगाई का बोलबाला है जी, 400 रुपए वाला सिलेंडर 1000 रुपया हो गया जी, एक साल में 7200 रुपये पालतू लिए, 10 साल में 72000 रुपये ले ली, मारे एक रुपया फायदा नहीं कराया इस सरकार ने जी, पूरे देश में महंगाई है जी। मैं तो एक ही बात कहूँगा युवा आजादिया ने भाई, कोई मदद तनते नहीं कर सकता, तनते नहीं कर सकता, सोशल मीडिया तो करे जी, समर्थन मिल गया सोशल, ये हमारे एक मिनट, ये हमारे बोल लिया इतना नहीं होता, रमेश गिरदौर, रमेश गिरदौर समझ गया, तो समझ गया, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मैं भी मार दूंगा जो मेरे मारे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी। ये सीपीएम पार्टी का इंडिया गठबंधन को पूरा समर्थन, तानाशाह को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए तन मन धन से हम कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, इंडिया गठबंधन का साथ देंगे, मजबूती के साथ जीतेंगे, तानाशाह को हराएंगे, मोदी सरकार को हराएंगे, बीजेपी हारेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा। रावदान सिंह जी का कैसा समर्थन है? रावदान सिंह का 100% समर्थन। ये कह देते हैं कि किरण चौधरी के समर्थक, किरण चौधरी के समर्थक इंडिया गठबंधन के साथ तन मन धन से साथ, और मैडम किरण चौधरी भी यहाँ पूछ रही है अभी। अच्छा, तो सभी आज यहाँ पर मतलब क्लैश एक साथ है? एक साथ बिल्कुल बिल्कुल पूरा समर्थन, बिल्कुल पूरा समर्थन। तो शाम में कैसा सपोर्ट है? तो शाम में कम से कम 50,000 वोटों से जीतेगा तो शाम से। अच्छा, मैडम का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। अच्छा, हाँ उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्यों मैडम के सारे समर्थक बिल्कुल रावदान सिंह के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। ऊपर तक जो पार्टी ने जो हाईकमान ने जो फैसला कर दिया वो सबका शर्माते हैं। हाँ जी, जो हाईकमान ने फैसला कर दिया वो ठीक है, सबका शर्माते हैं जी। आप कुछ बीजेपी को हरानी है और इंडिया गठबंधन को जिताना है, क्योंकि तानाशाह देश के अंदर तानाशाही चल रही है, इस तानाशाही के खिलाफ आज चुनाव मोदी वर्सेस जनता का है, पार्टियों का नहीं है, आज पार्टियों का नहीं है, आज चुनाव मोदी वर्सेस जनता के बीच का चुनाव। ठीक है जी, तो ये यहाँ जो जनता है वो रावदान सिंह जी के समर्थन में आती दिखाई पड़ रही है, और किरण चौधरी के जो समर्थक है वो भी पूरा समर्थन दे रहे हैं, साथ में जो सभी अन्य जो इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां वो भी। आइए एक बात, तो ये आज कार्यालय जो है इसका उद्घाटन अभी कुछ समय पश्चात माननीय किरण चौधरी जी और रावदान सिंह जी यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके कर कमलों से होने वाला है, और यहाँ समर्थकों की भीड़ जो है आना शुरू हो चुकी है, कुछ लोगों से हमने बातचीत करी है, और भी आगे का हम कार्यक्रम आपको दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर।